नमस्कार, मैं रितेश कुमार। आज हम देखने के लिए आए हैं फार्मटेक 45 EPI सुपर मैक्स, जो कि एक 48 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है और यह 2021 वाला वेरिएंट है। आगे वीडियो में बात करेंगे इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, पावर फिगर, गियर बॉक्स, PTO, एक्सल, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिया ट्रैक्टर टेक के साथ। इसमें सिंगल पीस बोनट देखने को मिल जाता है और यहाँ पर फार्मट्रैक लिखा हुआ मिल जाएगा और ये 45 EPI का बैचिंग देखने को मिल जाता है और यहाँ पर फार्मट्रैक लिखा हुआ है जो कि क्रोम ट्रीटमेंट के साथ में आता है। यहाँ पर भी क्रोम का अच्छा खासा यूज किया गया है और यहाँ पर भी 45 का बैचिंग देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको प्री क्लीनर देखने को मिल जाता है। इसके बोनट को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको इसके प्री क्लीनर को निकालना पड़ता है। यहाँ से आप इसके बड़े साइज में दिए हुए हेडलैम्प को देख सकते हैं। इसमें रिम टाइप में LED लाइट्स दिए हुए हैं जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसमें रेडिएटर तक अच्छे से हवा पहुंचने के लिए ग्रिल को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है। इसके बोनेट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर लैश मिल जाएगा, इसकी मदद से इसको आप बड़े आसानी से ओपन कर सकते हैं और यहाँ कुछ इस तरह से ओपन होता है जैसे कि आप ये देख सकते हैं। और इसका ओपनिंग एंगल बहुत ही अच्छा दिया गया है जिससे किसान भाई आसानी से इसका रेगुलर मेंटेनेंस कर सकते हैं। इसको ओपन होने के लिए दो गैस रॉड लगाकर इसमें दिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं इसके इंजन से। इसमें फार्मट्रैक ने AVL टेक्नोलॉजी के साथ में आने वाला इंजन यूज किया है जो कि 3 सिलेंडर के साथ में आता है और इसमें आपको बॉश का इंडियन फ्यूल पंप देखने को मिल जाएगा। AVL टेक्नोलॉजी का मतलब इस इंजन में हर एक कंपोनेंट बहुत ही टॉप क्वालिटी की यूज किए हुए हैं, जैसे कि इसके पिस्टन रिंग, सिलेंडर लाइनर, कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, वाल्व, ये सभी चीजों को हाई क्वालिटी यूज किए होते हैं जिस वजह से इसका जो इंजन है काफी रिलायबल हो जाता है। फार्मट्रैक लगभग अपने सभी ट्रैक्टरों में AVL टेक्नोलॉजी वाला ही इंजन यूज करता है जो कि काफी अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको F17 सुपर मैक्स का स्टिकर मिल जाएगा। बात करें इसके कूलिंग सिस्टम का तो इसमें कूलेंट रिजर्वायर के साथ वाटर कूल इंजन है को मिल जाता है और इस साइड से आप इसके रेडिएटर को देख सकते हैं, कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ है और यहाँ सामने में आपको हॉर्न देखने को मिल जाएगा। प्लास्टिक का रेडिएटर फैन लगाकर दिया गया है और ये रहा इसका रेडिएटर कैप। कई किसान भाई क्या करते हैं, ये कैप के खराब होने के कंडीशन में इसका रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं, इसको निकालकर फेंक देते हैं। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, खराब होने कंडीशन में इसका रिप्लेसमेंट तुरंत करें। बात करें इसके एयर क्लीनर का तो इसमें ऑयल बाथ टाइप एयर फिल्टर देखने को मिल जाता है जो कि प्री क्लीनर के साथ में आता है और यहाँ से आप इसके इंटेक मैनिफोल्ड के लिए गए हुए पाइपलाइन को देख सकते हैं। ऊपर से आप इसके बनावट को देख सकते हैं, इसमें सभी चीजों को कुछ इस तरह से अरेंज किया गया है। बात करें इसके फ्यूल टैंक का तो इसमें 65 लीटर का मेटल का डीजल टैंक दिया हुआ है जो कि आता है सुपर डीजल फिल्टर और एक वाटर सेपरेटर के साथ में, और वाटर सेपरेटर देने से आपका जो पंप है इसका लाइफ और भी अधिक बढ़ जाता है। और ये रहा इसका सुपर डीजल फिल्टर, इसका कॉस्ट भी कम होता है और इसको आपको लंबे समय के बाद में चेंज करना होता है जिससे आपका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाता है। ट्रैक्टर के राइट साइड में हमें बैटरी बॉक्स देने को मिल जाता है जो कि ट्रैक्टर के कलर को मैच करते हुए काफी खूबसूरत डिजाइन किया हुआ है और इसी साइड में ही स्टार्टर मोटर देखने को भी मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको 24x7 केयर डायरेक्ट का पुश बटन दिया हुआ है, इसको कुछ सेकंड तक पुश करके रखने से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कंपनी द्वारा कॉल आ जाएगा और आपके समस्या का समाधान करने का कोशिश किया जाता है। फ्यूज बॉक्स, इसमें कौन सा फ्यूज किसके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है ताकि आप जरूरत पड़ने पर इसका रिप्लेसमेंट खुद से ही कर सके। लेफ्ट साइड में इसका 35 एम्पीयर का अल्टरनेटर देखने को मिल जाता है जो कि मेटल के प्रोटेक्शन के साथ में आता है। लेफ्ट साइड से आप इसके पूरे इंजन के ये सब अरेंजमेंट को देख सकते हैं और इसमें एग्जॉस्ट पाइप कुछ इस तरह से आया हुआ है जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे। इसमें मफलर आपको बाहर में दिया जाता है और यह देखने से कुछ इस तरह से दिखाई देता है। बात करें इसके स्टीयरिंग का तो इसमें सेपरेट ऑयल कंटेनर के साथ में बैलेंस टाइप डबल एक्टिव पावर स्टीयरिंग दिया हुआ है जो कि ऑपरेट करने में बहुत ही ज्यादा स्मूथ होते हैं और काफी आरामदायक होते हैं। इसको आप एक उंगली से ऑपरेट कर सकते हैं, कुछ इतने स्मूथ होते हैं। और स्टीयरिंग के लिए सेपरेट ऑयल कंटेनर देने से यह फायदा होता है कि इसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स जल्दी से नहीं आते हैं जिसकी वजह से आपका जो स्टीयरिंग का परफॉर्मेंस है लंबे समय तक बेहतर देखने को मिलते रहता है। बात करें इसके एक्सल का तो इसमें एडजस्टेबल टाइप हैवी फ्रंट एक्सल दिया हुआ है, यहाँ से आप इसके पॉइंट्स को देख सकते हैं और इसमें स्पिंडर कुछ इस तरह से दिया गया है और यहाँ से आप इसके रिम का थिकनेस भी देख सकते हैं जो कि अच्छा खासा दिया गया है। और इसमें आपको अप्रॉक्स 80 kg का स्टाइलिश फ्रंट बम्पर देखने को मिल जाता है जिसमें हिचिंग पॉइंट्स भी दिया गया है। और यहाँ पर आप ये मेटल के यूनिट को देख सकते हैं जो कि वेट के रूप में भी काम करता है और इसमें हैवी इम्प्लीमेंट्स अटैच करने के लिए आपको पहले से ही मल्टीपल होल्स देके रखा गया जैसा कि आप ये देख सकते हैं। ये रहा इसका इंजन ऑयल फिल्टर। लेफ्ट साइड में हमें टेंडम टाइप पंप देखने को मिल जाता है जो कि गियर से ऑपरेट होते हैं और इसी पंप से ही हाइड्रोलिक और स्टीयरिंग दोनों के लिए काम होता है और यहाँ से आप हाइड्रोलिक के लिए गए हुए पाइपलाइन को देख सकते हैं जो कि हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर से होकर गुजरता है। यहाँ पर आप हाइड्रोलिक ले गए पाइपलाइन को ये देख सकते हैं और ये नीचे से आप ये पूरा इसके डिजाइन को देख सकते हैं, कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ है। और ये सब फिल्टर की खास बात यह है कि इसका जो मेंटेनेंस है वो आपको
500 घंटे के बाद करना होता है, जो कि इस ट्रैक्टर को खास बनाता है। और सर्विस इंटरवल अधिक होने के कारण इस ट्रैक्टर का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी काफी कम हो जाता है। इसमें 650/16 के बड़े फ्रंट टायर दिए गए और यहाँ से आप इसके रिम के डिजाइन को देख सकते हैं। और इसमें जो नट बोल्ट यूज किए हैं वे एक सब कॉलर के साथ में आते, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ से आप इसके प्रोफाइल को देख सकते हैं। रियर टायर की बात करें तो इसमें 14/28 के रियर टायर दिए गए हैं और यहाँ से आप इसके रिम को देख सकते हैं। आपको रिम स्टिफनर लगाकर भी दिया जाता है, जो कि रिम के सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छी चीज होती है, क्योंकि आप इसकी मदद से आप कितने भी चाहे ये नट बोल्ट्स को निकालें या बार बार टाइट करें, इसके रिम को कभी भी कोई भी नुकसान नहीं होता है। और इस साइड से आप ये सब इसके थिकनेस को देख सकते हैं। बात करें इसके पावर फिगर का, तो यह ट्रैक्टर 48 HP का पावर 1850 इंजन रेटेड RPM पर और लगभग 190 से 200 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसमें 31 km/h की मैक्सिमम फॉरवर्ड स्पीड देने को मिल जाता है और 14.6 km/h की मैक्सिमम रिवर्स स्पीड देने को मिल जाएगा। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में इस ट्रैक्टर का रेट 7,50,000 रुपए है और इस शोरूम से ट्रैक्टर खरीदने पर आपको इस ट्रैक्टर के साथ 6 फीट का रोटावेटर फ्री में दिया जाएगा और यह एक नियत समय के लिए ऑफर लागू होगा। तो आप इस शोरूम में आकर अपना ट्रैक्टर बुक कर सकते हैं। पीछे से आप इसके पूरे डिजाइन को देख सकते हैं। इसमें आपको कुछ इस तरह से फेंडर देखने को मिल जाता है और इसके जो लाइट्स हैं ये सब LED में दिए हुए हैं, जो कि कभी भी खराब नहीं होते हैं। और इसी साइड में आपको मेटल का टूल बॉक्स देने को मिल जाएगा। ये पीछे में रिफ्लेक्टर दिया गया है, ये रहा बोतल होल्डर। इस नॉब की मदद से सीट को वेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ पर भी एक नॉब दिया हुआ है, इसकी मदद से सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और ये रहा इसका 7-पिन सॉकेट और ये रहा इसका प्लाउ लैंप, इसको आप यहीं से ही ऑन ऑफ कर पाएंगे। और इसके नंबर प्लेट के लिए भी आपको एक्स्ट्रा लाइट देकर रखा हुआ है। बात करें इसके हाइड्रोलिक्स का, तो इसमें 1800 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाती है और यहाँ से आप इसके लोअर लिंक के डिजाइन को देख सकते हैं और ये सब इसके कनेक्टिंग पॉइंट को देख पा रहे होंगे। और इसमें बॉक्स में स्टेबलाइजर बार दिया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। इसके आर्म के लेंथ को एडजस्ट करने के लिए कुछ इस तरह से अरेंजमेंट दिया गया है। इसमें 3-पॉइंट सेंसिंग के साथ में ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल सेंसर दिया गया है। सॉफ्ट मिट्टी में हल को चलाने के लिए टॉप लिंक को ऊपर वाले में फिट करें, उसे थोड़ा हार्ड मिट्टी के लिए बीच वाले में, सबसे अधिक हार्ड मिट्टी के लिए टॉप लिंक को नीचे वाले में फिट करना चाहिए। और इंप्लीमेंट को रोड पे लाते लाते समय भी टॉप लिंक को हमेशा ही नीचे वाले में फिट करें, इससे जो सेंसर है इसकी सेंसिटिविटी लंबे समय तक बरकरार रहती है। और यह रहा इसका टॉप लिंक, और इसके टॉप लिंक को टोकने के लिए यह हुक दिया गया है। इसमें कंपनी फिटेड डबल ऑक्सिलरी वाल्व देने को मिल जाता है, जो कि किवारसी कपलर के साथ में आता है और इसको आप स्पूल वाल्व की मदद से सिंगल एक्टिंग और डुअल एक्टिंग दोनों में अपने जरूरत के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसको ऑपरेट करने के लिए जो लीवर है आपको यहाँ पर दिया गया है। बात करें इसके एक्सल का, तो इसमें आधुनिक जमाने का EP साइक्लिक रिडक्शन टेक्नोलॉजी के साथ माने वाला रियर एक्सल यूज किया हुआ है, जो कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट एक्सल होता है। यह टायरों पर पड़ने वाले लोड एवं झटके को कभी भी डायरेक्ट क्राउन पिनियन पर नहीं पड़ने देता, जिससे आप क्राउन पिनियन हमेशा सुरक्षित बना होता है और यह अधिक से अधिक लोड एवं झटके को बड़ा आसानी से वियर कर सकते हैं। और इसमें आपको ऑयल इमर्स डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा, जिसका परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त देखने को मिल जाता है, जो कि लगभग रेक्टेंगुलर शेप में डिजाइन किया हुआ है। इसकी वजह से इसमें आप लोडर वोडर जैसे इंप्लीमेंट फिट करते टाइम आसानी से फिट कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसके फेंडर गैप को देख सकते हैं, जो कि काफी अधिक दिया गया है। और इसके फेंडर को सपोर्ट करने के लिए अंदर में ये बीम लगाकर दिया गया है। लेफ्ट फेंडर में हमें मेंटेनेंस शेड्यूल देखने को मिल जाएगा, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है, जैसे कि आप यहाँ से ये सब पढ़ सकते हैं। इसमें हमें एडजस्टेबल टाइप हिचिंग पॉइंट देखने को मिल जाता है। बात करें इसके PTO का, तो इसमें 30 kW का 6-spline PTO दिया हुआ है, जो कि आता है 540 स्टैंडर्ड और मल्टी स्पीड और रिवर्स PTO के साथ में। और इतने सारे PTO ऑप्शन होने की वजह से इस ट्रैक्टर से आप अनेकों प्रकार के PTO चालित उपकरण को बड़े आसानी से चला पाएंगे। और आप किसी ऐसे ट्रैक्टर के बारे में जानते हैं जो इस कैटेगरी में आपको इतने सारे PTO ऑप्शन देते हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उस ट्रैक्टर का नाम जरूर बताएं। यहाँ पर आपको 5-year वारंटी का टिकट देने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके प्लेटफॉर्म पर चलने के लिए सिंगल फुट स्टेप दिया हुआ है, इसमें आप बड़े आसानी से चढ़ और उतर सकते हैं। और यहाँ से आप इसके डैशबोर्ड सहित फुल प्लेटफॉर्म और फेंडर के लुक को देख सकते हैं, कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ है। यहाँ से आप इसके 3-spoke के साथ माने वाले स्टीयरिंग व्हील को देख सकते हैं। और ये रहा इसका मीटर कंसोल, इसमें आपको फ्यूल गेज, टेम्परेचर मीटर और डिजिटल टाइप में आवर मीटर और भी अनेकों प्रकार के सब इंडिकेशंस दिया गया है। और इसी के नीचे में ही ये स्पीड चार्ज देने को मिल जाएगा और कौन सी इंप्लीमेंट के लिए कौन सा गियर यूज करना है यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। ये रहा हैंड थ्रॉटल लीवर, इसी के नीचे में इंडिकेटर, पार्किंग, इग्निशन की, इंजन स्टॉप करने के लिए, लाइट्स कंट्रोल करने के लिए, ये लाइट्स को अपर डिपर करने के लिए, फोन का बटन और यहाँ पर ये चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है। ये नीचे को आप देख सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से पैक किया गया है। इसमें कुछ इस तरह से प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाता है, जो कि बैठने में आरामदायक ही है। और इसमें नॉर्मल या पुश टाइप के क्लच पैडल और ब्रेक पैडल दोनों दिया गया है। और ये रहा इसका एक्सीलेटर पैडल। राइट साइड के आप फेंडर को देख सकते हैं और इसमें कुछ इस तरह से फेंडर ग्रिल दिया हुआ है और यहाँ पर 48 HP कैटेगरी लिखकर दिया जाता है। नीचे साइड में ड्राफ्ट कंट्रोल और पोजीशन कंट्रोल दोनों लीवर दिया गया है। और ये रहा इसके ऑक्सिलरी वाल्व को
कंट्रोल करने के लिए लीवर। और नीचे साइड में आपको स्पूल वाल्व दिख रहा होगा, उसको किस तरह से ऑपरेट करना है वो यहाँ पर बताया गया है। इसकी मदद से आप इसके ऑक्सिलरी वाल्व को सिंगल एक्टिंग और डुअल एक्टिंग दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेफ्ट फेंडर में हमें इसके लेबलिंग प्लेट देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप ये मॉडल नेम देख सकते हैं। इसमें 30 किलोवाट का मैक्सिमम पीटीओ पावर बताया गया है और यहाँ पर ये इसके मैन्युफैक्चरिंग डेट को भी देख सकते हैं। इसी साइड में आपको टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर देखने को मिल जाता है और यहाँ पर ये पीटीओ चार्ट दिया हुआ है कि इसके पीटीओ को किस तरह से यूज करना है। और सीट के नीचे में पीटीओ लीवर देखने को भी मिल जाएगा। इसको सामने की ओर करने पर यह 540 स्टैंडर्ड पीटीओ के रूप में काम करेगा और इसको अगर आप पीछे कर देंगे तो इसके पीटीओ को आप ये स्पीड लीवर की मदद से अपने जरूरत के हिसाब से बड़े आसानी से चला पाएंगे। कोई हल्के पीटीओ चालित उपकरण यूज करना है तो उस समय आप ये फोर्थ गियर पे लगाकर से बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं, जैसे वाटर पंप जनरेटर ये सभी को आप टॉप गियर में चलाकर अच्छा खासा ईंधन की बचत कर पाएंगे। और हैवी इंप्लीमेंट चलाने के लिए आप ये सब गियर को कम करके चला सकते हैं। और थ्रेसर वगैरह में कभी भूसे वगैरह कुछ फंस गया तो आप ये रिवर्स गियर लगाकर भी उसे बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। और प्रत्येक गियर पे कितने कितने पीटीओ चक्कर मिलते हैं वो यहाँ पर बताया गया, जैसे कि देख सकते हैं फर्स्ट गियर में आपको 1850 आरपीएम पर 427 पीटीओ चक्कर मिल जाएगा। इसी प्रकार से सभी चीजों को यहाँ पर ये बताया गया, जैसे कि देख पा रहे होंगे। तो यही सब चीज खास बात है इस ट्रैक्टर का कि इसमें आपको बेस्ट पीटीओ, बेस्ट एक्सल ये सभी चीज देखने को मिल जाता है। इसी वजह से किसान भाइयों द्वारा ट्रैक्टर के लॉन्च होते ही इस ट्रैक्टर को पसंद किया जाने लगा है। बात करें इसकी गियर बॉक्स का तो इसमें 1, 2, 3, 4 रिवर्स और हाई लो, इसका मतलब इसमें 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर दिया हुआ है। और इसका जो गियर बॉक्स का प्रकार है कॉन्स्टेंट मेश टाइप का दिया गया है। और ये सब जो गियर लीवर है ये बिल्कुल ही आपके पहुंच में इसे डिजाइन किया गया है। इसको ऑपरेट करने के लिए आपको किसी भी तरीके से ज्यादा फोर्स लगाना नहीं पड़ता और बिल्कुल भी झुकना नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से ये काफी आरामदायक हो जाता है। इसमें हमें डुअल क्लच देखने को मिल जाता है, इसका मतलब हाफ प्रेस करने पर यह ट्रांसमिशन के लिए काम करता है और फुल प्रेस करने पर यह पीटीओ के लिए काम करता है। और ये रहा इसके ब्रेक्स, इसके ब्रेक को लॉक करने के लिए यहाँ पर ये लीवर दिया गया है। और सीट के नीचे में हमें ये नॉब देखने को मिल जाता है जिसकी मदद से आप इसमें बड़े आसानी से ट्रांसपोर्ट लॉक कर पाएंगे। यहाँ से आप इसके बड़े साइज में दिए हुए सीट को देख सकते हैं जो कि काफी कंफर्टेबल डिजाइन किया गया है। और इस लीवर की मदद से इसको आप लेंथ के अकॉर्डिंग और यहाँ पर नॉब दिया है उसकी मदद से आप इसे अपने हाइट के अकॉर्डिंग और एक नॉब की मदद से इसे आप वेट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर पाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए इसको स्टार्ट करके इसका आवाज सुनते और इसका स्टीयरिंग रिस्पांस भी देख लेते हैं। और जब तक आप इसके रेंज लीवर को न्यूट्रल नहीं करेंगे तब तक ये ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होता, जो कि सेफ्टी फीचर्स के रूप में दिया गया है। ऐसा आवाज है इसका, स्टीयरिंग रिस्पांस को देख सकते हैं काफी स्मूथ दिया गया है। यहाँ पर आप इसके एलईडी लाइट्स को देख सकते हैं और ये सब ग्रैब हैंडल भी दिया गया है। तो इतना कुछ स्पेसिफिकेशन और फीचर देने को मिल जाता है आपको फार्मटेक 45 सुपर मैक्स में, जो कि इस ट्रैक्टर को खास बनाता है। अगर आपके मन में इस ट्रैक्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट या कुछ क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे। तो चलिए आते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।